भारतीय परंपरा में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का विशेष महत्व है। आज के दिन डंडा चौथ भी कही जाती है। पहले कुछ लोग गुड़धानी गेहूं और गुड़ मिलाकर के प्रसाद रूप में रखते थे। बाल गोपालों से पट्टी और डंडे शाही इसका चलन था, पूजन करवाए करके और बच्चा लोग डंडा बजाते थे। यहाँ जैसा कि पूर्वाचार्यों ने परंपरा के अनुसार गणपति का महाभिषेक किया जाता रहा है, तो दूध दही घी शहद ये सब मिलाए करके पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। उसके उपरांत पुष्प श्रृंगार, उसके बाद आरती, ये यहाँ का प्रतिवर्ष का कार्यक्रम मनाया जाता है। गणेश सेवा समिति रात्रि को फिर आरती प्रसाद लगा करके और विसर्जन करती है। ऐसी यहाँ की जो परंपरा है वो सभी के लिए पुण्यकालीन, जो अपना पुण्य किया जाता है वो इसी रूप में गणपत चतुर्थी को मनाते रहे हैं और मनाते रहेंगे। गणेश जी ये विघ्नों का हरण करने वाली है, विद्या बुद्धि सबके देने वाली है, ये सबकी राजी खुशी रखती है। हमारी यही शुभकामना है कि आपके माध्यम से आप लोगों को शुभकामनाएं और शुभ बधाई, और गणेश जी महाराज सबको राजी खुशी सकुल सर रखे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणपति का जन्म दिवस भी मनाते हैं, प्रादुर्भाव दिवस मनाते हैं, और इसी को ही जयंती पर्व कहा है। तो इसकी कथा गणेश पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है। तो समस्त भारतवर्ष में भगवान के भक्त भगवान के उत्सव को मनाते हैं। सभी जगह भगवान गणेश की पूजा है, पर चूंकि ये मथुरा मंडल त्रिलोकी में सबसे सुंदर है, तो भगवान की जन्म स्थली है, तो इस कारण यहाँ पर महागणपति विराज रहे हैं। भगवान गणेश में और भगवान महागणपति में अंतर है। जिनके चार भुजा हों उनको गणेश कहते हैं, और जिनके 10 भुजा हों उनको महागणपति कहा गया है। तो यहाँ भगवान 10 भुजी गणेश हैं, जिनके 10 भुजाएं हैं, और भगवान गणेश की जंघा पर भगवती महालक्ष्मी विराजमान है। तो ऐसी विलक्षण स्वरूप पूरे संसार में केवल मथुरा मंडल में ही यहाँ विराज रहे हैं, जिसकी सेवा पूजा और महाअभिषेक आज श्री जी पीठाधीश्वर श्री ठाकुर जी बाबा महाराज के द्वारा किया गया, और हमारे 10 भुजी गणेश मंडल सेवा सम्मति सभी का पूर्ण रूपेण सहयोग रहता है। तो जैसा कि अब सर्वप्रथम पूजन, इसके उपरांत में महाअभिषेक, और महाअभिषेक के उपरांत में वैदिक क्रम से एवं श्री विद्या क्रम से पूजन अर्चन होगा। इसके तदुपरांत श्रृंगार गणेश जी का, और श्रृंगार के बाद में भक्तजन रात्रि तक पूजा प्रारंभ करेंगे, और महा
आरती के साथ में आज की पूजा को विश्राम दिया जाता है। इसी के साथ साथ आज की चतुर्थी में ही चंद्रमा के दर्शन का निषेध भी कहा गया है कि आज की चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन का त्याग करना चाहिए, और अगर जो दर्शन कर भी लेते हैं तो सिंह प्रसेन मवधीत सिंहो जाम्बवता हता अब रोधक मा रोधी तब येश शमंतक। इस श्लोक के पाठ करने मात्र से चंद्र दर्शन के दोष से निवृत्ति होती है। और इसी के साथ साथ विशेष हम आपके माध्यम से समस्त राष्ट्रवासियों को, समस्त ब्रजवासियों को हम गणपत जयंती उत्सव की शुभकामनाएं देते हैं, और भगवान महागणपति से प्रार्थना करते हैं कि सभी पर अपनी वो कृपा बनाएं और हमारे राष्ट्र में सुख समृद्धि शांति हो, जिससे सभी का उत्थान हो। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए दशभुजी गणेश भगवान की जय। गणपति बाप्पा मोरया पुढ़चा वर शीलौ करया, गणपति बाप्पा मोरया पुढ़चा वर शीलौ करया। इस जीवन में सबके मन में प्रेम का कर दीप जला, गणपति बाप्पा मोरया पुढ़चा वर शीलौ करया।